बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं कि जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का प्यार और स्नेह मुझे जन्मदिन के अवसर पर मिल रहा है, जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, तो साथ ही रक्तदान का कार्यक्रम किए जा रहे हैं और गायों को जिस तरह गौशालाओं में सेवा की जा रही है और इस प्रकार से वृक्षारोपण के कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की सेवा के पखवाड़े के अवसर पर और मेरा जन्मदिन भी साथ साथ आता है, तो इसलिए जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये उत्साह निश्चित रूप से मुझे बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज ये प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता और देशवासियों को धन्यवाद दे। काफी लोगों का कहना है कि आपका जन्मदिन जो है आने वाले चुनाव को लेकर जो है वो मनाया जा रहा है कि केला चौधरी आने वाले चुनाव में जो है तैयारी कर रहे हैं। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पर चुनाव का अधिकार है। आपको पता है नजदीक में कोई चुनाव नहीं है, अभी चुनाव को 4 साल पड़े। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सेवा करता है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, पर हम भी उसी में लगे हुए सेवा कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा एक बयान दिया गया है राहुल गांधी आतंकवादी है, इस बयान को लेकर आप क्या कहना? देश में जो है वो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसा है कि राहुल गांधी हो और चाहे कांग्रेस हो, उनका एक ही मकसद है, देश के अंदर किस प्रकार से अराजकता का माहौल फैलाना, किस तरह से यहाँ पर माहौल बिगड़े, उसके लिए विदेश में जाकर जिस तरह के बयान देना और भारत को कमजोर करने की जो साजिश रचने का प्रयास किए जा रहे हैं, इसका तो जवाब जनता इसी चुनाव के अंदर जो अभी हो रहे हैं उनमें ही जवाब देगी। वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है वन नेशन वन इलेक्शन, भविष्य के अंदर निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार काम चल रहा है और भविष्य में ऐसा काम निश्चित रूप से होगा तो पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बजट भी बचेगा और समय भी बचेगा। हरियाणा के चुनाव में आपको अहम जिम्मेदारी दी गई है, चर्चा चल रही है राजस्थान के चुनाव, राजस्थान में भी आपको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अभी आपने देखा होगा, ये जनता का प्यार है और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 62 सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की और जीतेगी और बहुमत के साथ। लोगों का किस तरह से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि हारे हुए मंत्री के जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम हजारों की संख्या में लोग? ऐसा है कि ये मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, पर मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि मेरे को जो है आज इस प्रकार का जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, तो मैं बाड़मेर की जनता का और जैसलमेर और बालोदरा की जनता का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।